एंड न्यूक्स फोर डिफरेंट क्लासेस हैं बायो की लिपिड्स को हम जनरली सेकेंड या थर्ड पर रखते हैं सम टाइम कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स को डिस्कस कर लिया जाता है सम टाइम लिपिड्स को तो लिपिड्स इज़ अट्रोजेनियस ग्रुप हाइट्रोजेनियस इन अ सेंस कि इसके अंदर बहुत डाइवर्स टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स मौजूद हैं इसलिए लिपिड्स की हम कोई सिंगल प्रॉपर डेफिनेशन करना बहुत मुश्किल है तो so, इसके लिए हम एक, एक अलबत्तः लिपिड्स की प्रॉपर्टी है जो तमाम लिपिड्स के अंदर कॉमन है एंड दैट इज़ वाटर इन्सॉलबिलिटी इसके अलावा कोई भी लिपर्स के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं आती है जैसे अगर हम ये कहें कि लिपड्स के अंदर जी तमाम लिपर्स के फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं तो वो तो जो स्टीराइड है उसके अंदर तो होते ही नहीं हैं या फिर हम ये कहें कि लिपड्स के अंदर कोई रिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ के अंदर होता है कुछ के अंदर नहीं होता है तो जो एक कॉमन डेफिनेशन लिपर्स की बनती है दैट इज लिपड इज़ अ हैट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ बायोमालिक्यूल्स विच आर इंसॉलोबल इन वाटर वाटर इंसॉलोल लिपिड्स की जो वाटर इंसॉलिबिलिटी है दैट इज बेसिकली ड्यू टू देयर नॉन पोलर नॉन पोलर होने की वजह से जो है वो यानी कि ये चार्ज मालिक्यूल्स नहीं है ये जो है वो न्यूट्री चार्ज मालिक्यूल्स नहीं है ये वाटर के अंदर इंसलबल हैं लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर बड़े आराम से सोलबलाइज हो जाते हैं उसकी रीज़न यह है कि वाटर एक पोलर मालिक्यूल है सॉल्वेंट है तो लिपिड्स नॉन पोलर है नॉन पोलर कभी पोलर के अंदर सोलबलाइज नहीं होता है लेकिन अगर लिपिड नॉन पोलर है और हमारे पास सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसको कहते हैं ना जैसे मैं जहाँ वो अल्कोहल आ जाएगी ईथर एसीटोन ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये बड़े आराम से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स लिपिड्स की chemical, अच्छा लिपिड्स के अलावा इन जनरल आपने याद रखना है कि जितने भी बायो मालिक्यूल्स होते हैं और केमिकल कंपोजिशन में सिक्स एलिमेंट्स ही बार बार आएंगे तीन जो है वो मेन है और इसके बाद जो है वो अगले तीन जो है वो लेस कर्ड होते हैं होते जरूर हैं लेकिन वो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं या कम होते हैं तो कार्बन लिपर्ड में भी अगर हम बात करेंगे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर प्राइमरीली प्रेजेंट वो प्राइमरीली उसके अंदर मौजूद हैं जबकि नाइट्रोजन सल्फर एंड फासफोर्स आर प्रेजेंट इन समिपर्स वाइल एब्स एंड इन अदर्स कुछ में मौजूद हैं कुछ के अंदर मौजूद नहीं होते हैं अच्छा लिपिड्स की खास बात केमिकली अगर हम देखें तो लिपिड्स की के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो हाई, कार्बोहाइड्रेट की नस्बत बहुत कम है कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल अगर हम देखें ग्लूकोज का फार्मूला है सी सिक्स एच सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो कार्बन सिक्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी सिक्स मौजूद हैं लिपिड्स के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बहुत कम है जैसे अगर हमारे पास एक सिक्सटीन या एटीन कार्बन फैटी एसिड है तो उसके अंदर सिर्फ 18 कार्बन के मुकाबले में दो ऑक्सीजन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन कम होने का बेनिफिट यह है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप गायब हो जाता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो लिपिड्स के अंदर मैक्सिमम या मोस्ट जो बॉन्ड्स होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और यही वो बॉन्ड्स हैं जिन्हें एनर्जी देनी है इसीलिए लिपिड्स से हमें कार्बोहाइड्रेट की नसीबत हम कहते हैं कि लिपिड्स गिव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डबल अमाउंट इसीलिए ले देते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में तो एक तरफ हाइड्रोज कार्बन हाइड्रोजन है दूसरी तरफ कार्बन हाइड्रोक्सल है तो हाइड्रोक्सल ने तो एनर्जी दे नहीं है तो लिपिड्स के अंदर इधर भी कार्बन के हाइड्रोजन इस तरफ ही हाइड्रोजन है तो दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसी वजह से क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होते हैं लिपिड्स में तो एनर्जी भी जो है वो डबल अमाउंट में हमें प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम वी कैन गेट द लिपिड्स लिपिड्स हम कहाँ से ले सकते हैं कहाँ जो है पाए जाते हैं नेचर के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हम जो लेते हैं इसके अंदर मिल्क चीज बटर क्रीम योगर्ट मार्जरीनस ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास जो है ये क्या है कि लिपर्स की सोर्स है इनके अंदर जो है लिपर्स अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होता है इस मीट जो है मीट के अंदर प्रायमरी हम देखें तो गोश्त जो है गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होती हैं लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें लिपिड्स भी मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं मीट इज आल्सो सोर्स ऑफ जो वैसे भी आपको पता है जब मीट लेते हैं उसके साथ चर्बी जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होती है फिश फिशेस के अंदर भी जो कि फिशेस भी मीट है और फिशेस जो है दे आर आल्सो हैविंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स विद देम एग्स एग के स्पेशली जो जो एग योक है योक के अंदर बहुत अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं एग वाइट के अंदर नहीं होते हैं ये एग वाइट तो एल्ब्यूमिन है ठीक है लेकिन जो उसके अंदर योक होता है वो अ रिच सोर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ड्राई फ्रूट्स जो हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स में अक्सर आप देखें ऑयली होते हैं अगर आप किसी को एलमंड को या वालनट कोई के अखरोट को, को तोड़कर उसकी जो गरी है उसको किसी कागज़ में रखें तो आमतौर तो पर देखते हैं उसके साइड ऑयली सी कृष्ण लग जाती है तो बेसिकली जो ड्राई फ्रूट्स हैं दे हैव देव रिच लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड मालिक्यूल्स लिपिड उसके अंदर मौजूद हैं कुकिंग ऑयल जितने भी ऑयल जितने कुकिंग ऑयल जो है बेसिकली हैं लिपिड मालिक्यूल्स सनफ्लावर सोयाबीन कॉर्न ऑलिव ऑयल या इसके अलावा जितने भी ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं घी जो अवेलेबल है ये सारे के सारे जो है वो लिपिड्स हैं फ्राइड फ़ूड्स जब भी हम फूड को जितने भी चाहे वो फ्राइज हैं या फिर इसके अलावा जो हम रोस्ट roast, रोस्टेड हैं या जितने भी चीज़ों को फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर तो उन सब के साथ चूंकि ऑयल उनकी बॉडी के उन चीज़ों के ऊपर मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि जो फ्राइड फूड्स हैं दे आर आल्सो हैविंग लिपिड्स वाट इज़ द ऑफ लिपिड्स लिपिड्स की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसको इसे डिफरेंट इसकी जो है वो रोल्स हैं फर्स्ट वन दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी लिपिड तमाम बायो मालिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले बायो मालिक्यूल्स हैं ऑल सेल मेम्ब्रेन्स दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो हम कहते हैं लिपिड बायो है लिपिड बाय है तो लिपिड बायो का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं वो लिपिड्स की टू लेयर्स के मिलने से बनी होती हैं तो सेलुलर मेम्ब्रेन दे आर मेड अप ऑफ लिपिड मालिक्यूल प्रोटीन्स भी होती हैं लेकिन जो मेन सर्कल बना रहे हैं या उसकी कवरिंग बाउंड्री बनाती हैं वो लिपिड मालिक्यूल्स भी बनाते हैं हारमोन्स मैनी ऑफ दी हारमोन्स आर लिपिड इन नेचर जैसे स्टीरोड हारमोन्स जितने भी हैं ठीक जो रिप्रोडक्शन से रेलिवेंट जो हैं या वैसे कुछ जो है वो स्टीरोड हारमोन्स हैं जो किडनी से रिलीज होते हैं दे आर लिपिड इन नेचर प्रोटेक्शन लिपड्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन स्पेशली प्लांट्स में या फ्रूट्स में देखें ना उसके ऊपर एक वैक्सी लेअर होती है तो वैक्सी लेयर बेसिकली जो बेसिक फंक्शन है वैक्सी लेयर का वो ये है कि एब्रेसिव डैमेज से बचाती है इसके अलावा जो वाटर फाउल्स हैं वाटर फाउल्स जब फिश को कैच करने के लिए जंप करते हैं वाटर के अंदर तो उनके जो अपने फैदर्स हैं वो तो वेट नहीं होते हैं उसकी बेसिक रीज़न ये है कि फैदर्स के ऊपर परों के ऊपर क्या है कि एक वैक्स की लिपिड्स की लेयर मौजूद है वो वाटर को एंटर ही नहीं होने देती है उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि अगर कोई ऑयल टैंकर कहीं लीक हो जाए अब ऑयल जो है ना उस जो यानी कि ऑयल जो रिलीज होता है उसमें क्रूड ऑयल होता है तेल जो है अब वो क्या करता है जब कोई बर्ड उसमें से जंप करने की कोशिश करेगा नीचे पानी में जाने की कोशिश करेगा तो जो ऑयल है वो उसके फैदर्स के ऊपर से जो वैक्स है उसको उतार देता है इसीलिए जहाँ ऑयल की लीकेज होती है वहाँ बर्ड्स की डेथ हो जाती है क्योंकि जो प्रोटेक्शन थी वो अब ख़त्म हो गई है तो बर्ड्स के फैदर्स के ऊपर जो वैक्सी लेयर है दैट इज़ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते इंसुलेशन लिप्ड आर वेरी गुड इंसुलेटर इंसुलेटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हीट को ना उधर जाने दे ना इधर आने दे ठीक है हीट को हीट के लॉस को रोकती है तो जो एनिमल्स स्पेशली जो आ, लार्ज मैमल्स हैं वेल है जैसा कि बाकी जो मैमल्स जो जो रहते हैं ओशन्स के अंदर रहते हैं कोल्ड वाटर के अंदर रहते हैं उनकी स्किन के नीचे एक लिपिड की मोटी लेयर है वेल्स को बहुत सारी वेल्स को शिकार इसलिए किया जाता है कि उसमें से जी बहुत सारी जो है वो जो वो लिपिड फैट्स निकलती हैं जिसको आगे यूज़ किया जाता है मुख्तु परपजेज़ के लिए तो ये जो थिक लेयर ऑफ फैट्स जो होती है दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग एज इंसुलेटर ये जो एनिमल के पास जो हीट है उसको लूज़ होकर बाइ इन्वायरमेंट में नहीं जाने देती है इस तरह से आप नॉर्मली भी देखा होगा कि जो कोल्ड एरिया के एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के नीचे भी जो है वो स्किन उनकी थिक होती है स्किन थिक होने का मतलब है कि स्किन के नीचे लिपिड की लेयर मौजूद है जो इंसुलेशन का रोल प्ले करेगी सेल सिग्नलिंग तो जो मैसेज हमारे सेल्स के अंदर ट्रैवल करके जाता है तो विद इन सेल भी एक जहाँ एक बाकायदा एक चैनल चलता है मैसेज का और उस चैनल के अंदर प्रोटीन के साथ साथ लिपिड मालिक्यूल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड मालिक्यूल्स लिपिड मालिक्यूल्स की वैसे तो बहुत डाइवर्सटी है लेकिन ब्रॉडली वी कैन डिवाइड दैम इंटू थ्री कैटेगरीज एट दिस स्टेज अगले सेमेस्टर में जाएंगे आप तो आपको फर्दर इसकी टाइप्स मिलेंगी लेकिन वेरी सिंपल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो लिपिड की थ्री टाइप्स हैं दे आर दी ट्राइग्लिसराइड्स फास्फोलिपिड्स एंड द स्टीराइड्स